जनपद महोबा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत महोबा जिले के शिवा योजन सभागार में प्रदेश स्तरीय दो दिवसीय किसान मेला सेमिनार के साथ प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला अधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में महोबा, उन्नाव, आजमगढ़, बांदा आदि जनपदों के पान किसानों के प्रतिभाग किया, जिससे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा पान की उन्नतिशील प्रजातियां एवं पान को प्रभावित करने वाले रोगों तथा उनके बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जी हां, हम आपको बता दें कि जनपद महोबा जिले के प्रदेश के किसानों को कृषि की विभिन्न फसलों के साथ पान की खेती और उसके बेहतर बनाने के लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जनपदों से एकत्रित किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों से फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर बारीकियाँ सीखी। इस दौरान इस किसानों को सम्मानित भी किया गया। किसानों को कम लागत में उन्नत फसल कर ज़्यादा लाभ कमाने के लिए किसान और विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने को जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि यहां पर उन्नत पान को अन्य स्थानों पर कैसे विकसित कर किसानों को लाभ दिलाया जाए, साथ ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए किसानों से वे अपने जिले के विभिन्न प्रकार की फसलों बागवानी से लाभ कमा रहे हैं, उससे भी अनुभव से यहाँ के किसान अपनी कृषि में लाभ लें। इसको लेकर कृषि वैज्ञानिकों ने आए हुए सभी किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि की जानकारी दी एवं उन्हें लाभ कमा रहे किसानों से भी रूबरू कराया जा रहा है। पान किसानों ने डीएम से सिंचाई के लिए मिट्टी का तेल दिलाने एवं सर्दी के कारण पान में हुए नुकसान की भरपाई हेतु राहत दिलाने का भी अनुरोध किया गया। समझ रहे हैं कि ये दो दिवसीय पान प्रशिक्षण के संबंध में ये गोष्ठी रखी गई है। पान की विभिन्न प्रजातियां जो हैं यहाँ पे उस पे शोध होता है और अच्छी चीज़ें जो निकल के आती हैं वो लोगों तक पहुँचे, इस बात को बताने के लिए गोष्ठी आयोजित की गई है। और इसमें आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, सुल्तानपुर विभिन्न जनपदों के लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे वैज्ञानिकगण हैं उन्होंने इस चीज़ को कि कैसे वो पान की खेती गुणवत्तापूर्ण ढंग से करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में विस्तार से लोगों को बताया है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो पान शोध केंद्र है, महोबा वैसे भी पान के लिए जाना जाता है पूरे यूपी में क्या पूरे इंडिया में, तो यहाँ से जो चीज़ें अच्छे निकल के आती हैं उसका लाभ लोगों को मिले, इसी उद्देश्य को रख करके ये गोष्ठी की गई थी। और मैं समझता हूँ कि ये गोष्ठी अपने उद्देश्यों में निश्चित रूप से सफल होगी, क्योंकि जो हमारा आप देख रहे होंगे सभाकक्ष में काफ़ी संख्या में किसान लोग यहाँ पे हैं, पान की खेती करते हैं और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से हमारे उत्तर प्रदेश के आए हैं, तो निश्चित रूप से ये उद्देश्यों को लेकर के गोष्ठी की गई है। महोबा से यूपी 24 न्यूज़ के लिए जिला संवाददाता संतोष कौशिक की रिपोर्ट।